दस दे दस दे जा दस दे हुसन तेरा तौबा 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 हुसन तेरा तौबा 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 हुसन तेरा तौबा 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 तौबा। जी दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक ट्रेंडिंग वीडियो जो इंस्टाग्राम में बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रही है। इन वीडियो में मिलियन में व्यूज आ रहे हैं, तो आज मैं इसी वीडियो को बनाना सिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें वरना आप स्टेप मिस कर देंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अलाइट मोशन को ओपन करके एक सॉन्ग ले लेंगे एंड इसमें इस तरह से मार्क लगा लेना। इसके बाद प्लस पर टैप करके मीडिया में जाएंगे और एक इमेज ले लेंगे एंड अब ब्लेंडिंग में जाएंगे और ओपेसिटी को कम करेंगे एंड इसको एडजस्ट कर लेंगे। इस इमेज को हम बैकग्राउंड में रखेंगे, तो इसकी लेंथ को फुल वीडियो में रख लेंगे एंड प्लस पर टैप करके टेक्स्ट लेंगे और इसमें लिरिक्स टाइप कर लेंगे। इसको सेंटर में करेंगे फिर फॉन्ट गेट नाउ को सिलेक्ट करके इसके कलर को वाइट कर लेंगे और इसकी साइज बढ़ा लेंगे। इसके बाद अगले मार्क में जाएंगे और एक्स्ट्रा पार्ट हटा लेंगे एंड अब जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और इसको साइड में कर देंगे ऐसे। फिर की लगाएंगे एंड एक की लेयर के शुरू में लगा लेंगे और इसको लेफ्ट साइड कर देंगे बिल्कुल ऐसे। एंड अब जाएंगे इफेक्ट में, फिर ऐड इफेक्ट में और यहाँ से हम फ्लिप लेयर ऐड कर लेंगे। इसके बाद एक की लास्ट में लगाएंगे एंड एक की शुरू में लगा लेंगे और एंगल को कर लेंगे 15। इसके बाद फिर से इफेक्ट में जाएंगे, ऐड इफेक्ट में जाएंगे और फेड इन आउट वाला इफेक्ट ऐड कर लेंगे। अब इसी पर टैप करके इन को 0 कर लेंगे और आउट को 20 मिली सेकेंड कर लेंगे। एक और इफेक्ट ऐड करेंगे जिसका नाम रैंडम जिटर है एंड फ्रीक्वेंसी को 15 कर लेंगे। अब मैग्नीट्यूड को 3 करेंगे एंड स्पीड को फुल करके इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी। अब ऐड करेंगे डायरेक्शन ब्लर वाला इफेक्ट, इसी पर टैप करेंगे और एक की ऐड करके इसको थोड़ा आगे कर लेंगे। फिर एक और ऐड की करेंगे और इसको 21 मिली सेकेंड कर लेंगे एंड सेकेंड की में आकर इसको 0 कर लेंगे। इसी लेयर को डुप्लीकेट करके इसको इसी लेयर के आगे कर लेंगे। अब इसी पर टैप करके एडिट टेक्स्ट में जाएंगे और लिरिक चेंज कर लेंगे। इसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और फर्स्ट वाली की रिमूव कर लेंगे। इसके बाद सेकंड की में आकर इसको राइट साइड करेंगे, फिर शुरू में आकर की ऐड करेंगे और इसको लेफ्ट साइड कर लेंगे। इसके बाद इफेक्ट में जाएंगे, फ्लिप लेयर में जाएंगे और इसको -15 कर लेंगे। एंड इस लेयर को डबल मार्क तक रखेंगे और इसको कर लेंगे डुप्लीकेट। अब इसको शुरू के बाद वाले मार्क में आकर इसके आगे का एक्स्ट्रा पार्ट हटा लेंगे और एडिट टेक्स्ट में आकर लिरिक चेंज कर लेंगे। फिर इसका फॉन्ट भी चेंज करेंगे और कलर आप अपनी पसंद का सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद लेयर को फिर से डुप्लीकेट करेंगे और इसका भी एक्स्ट्रा पार्ट हटा लेंगे ऐसे एंड इस लेयर को ऊपर कर लेंगे
और एडिट वाले ऑप्शन से लिरिक्स को भी चेंज कर लेंगे। और अब इन लेयर को इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। इन सभी मार्क में कॉपी पेस्ट करके म्यूजिक को वीडियो के एंड तक लिख लेना है। तो दोस्तों, लिरिक्स का पूरा काम हो चुका है। एंड अब प्लस पर टैप करके मीडिया में जाएंगे और एक इमेज ले लेंगे। एंड अब इसकी साइज घटा लेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को काटेंगे और इसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट कर लेने के बाद लिरिक्स पर जाएंगे, फिर इफेक्ट में जाएंगे, थ्री डॉट पर टैप करके इन सभी इफेक्ट को कॉपी कर लेंगे। इसके बाद इमेज पर चलेंगे, फिर इफेक्ट में जाएंगे एंड थ्री डॉट पर टैप करके इफेक्ट पेस्ट कर देंगे। इसके बाद मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इस तरह से दो की लगा लेंगे एंड फर्स्ट की से इसको लेफ्ट साइड कर लेना है। इतना कर लेने के बाद इफेक्ट में जाएंगे, एड इफेक्ट में जाएंगे एंड शार्पन वाला इफेक्ट ऐड कर लेंगे। अब इसी पर टैप करेंगे और इसको हम 20 मिली सेकेंड कर लेंगे। इसके बाद एक और इफेक्ट ऐड करेंगे जिसका नाम वाइप है। इसी पर टैप करके एंड में जाएंगे, इसको कर लेंगे 86%। फिर एंगल में जाएंगे, इसको कर लेंगे 90 डिग्री एंड फेदर को 10 कर लेंगे। तो दोस्तों, इतना कर लेने के बाद इसी लेयर पर टैप करके इसको कॉपी लेयर कर लेंगे। इसके बाद प्लस पर टैप करके मीडिया में जाएंगे और इमेज ऐड कर लेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे, फिर पेस्ट स्टाइल में जाएंगे और ऊपर के थ्री ऑप्शन को अनटिक करके पेस्ट कर देंगे। इसके बाद मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में आकर हेड वाली की को रिमूव करेंगे और सेकंड की में आकर इमेज को लेफ्ट साइड करेंगे एंड शुरू में आकर की ऐड करके इमेज को राइट साइड कर लेंगे। इसके बाद इफेक्ट में जाएंगे, फ्लिप लेयर में जाएंगे और एंगल को -15 कर लेंगे एंड इस लेयर को डबल मार्क तक रखेंगे। तो दोस्तों, इन दोनों लेयर को कॉपी पेस्ट करके इमेज को सारे मार्क में ऐड कर लेना है। ओके दोस्तों, इमेज ऐड हो गई है एंड वीडियो हो चुकी है हमारी रेडी। अब ऊपर कोने में एरो का निशान आ रहा होगा, उसी पर टैप करेंगे और वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाकर इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियो इस चैनल पर आती रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और इसकी XML फाइल या प्रोजेक्ट पैक चाहिए तो कमेंट कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।